हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये पौधा देखकर आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं? दोस्तों, ये हमारा जो रुद्राक्ष का पौधा है, इसमें ये ग्राफ्टेड वाला पौधा है जो कि हमारे कम मिट्टी में और जल्द से जल्द, ये देख पा रहे होंगे, ये एक छोटा सा पौधा मैं ख़रीद कर लाया हूँ और इसमें कितने सारे फ्लावरिंग लगा हुआ है। क्योंकि ये ग्राफ्टिंग वाला पौधा है, इसको एयरलेयरिंग से तैयार किया जाता है और दोस्तों, इसको घर में लगाने से बहुत ही शुभ माना जाता है और यहाँ ये पौधा भगवान शिव के पूजा में भी आता है। बहुत ही अच्छा एक पौधा है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से इसके बारे में, इसको कैसे क्लाइमेट में लगाना चाहिए और इसका पॉटिंग मिक्स और पॉट साइज कितना होना चाहिए, पूरी तरीके से इसके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और जो कोई भी हमारे चैनल में नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, देख पा रहे होंगे मेरा ये जो पौधा है, ये 6 इंच के मैच्योर हो गया है। पौधा कितना रूट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है और 6 इंच के पॉट के होने के वजह से मैं इसको एक बड़ा साइज पॉट में लगाने वाला हूं। तो दोस्तों, इसको ज़्यादा मिट्टी अभी आवश्यक है क्योंकि इसका रूट स्ट्रक्चर बहुत ही हेल्दी है। तो देख पा रहे होंगे इसका रूट्स बहुत ही मैच्योर हो गया है और पूरा रूट बाउल के साथ ही आपको पौधे को निकालना है। थोड़ा मिट्टी के जो पॉट है उसको थोड़ा पीटने से वो अच्छी तरीके से वो रूट बाउल के साथ निकल आएगा। देख पा रहे होंगे मेरा पौधा ये कितना अच्छी तरीके से रूट डेवलप हो रहे हैं। दोस्तों, ये मैं रुद्राक्ष के पौधे को एक 25 किलो के बोरी में लगाने वाला हूँ क्योंकि इसका रूट स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका है और इसको ज़्यादा मिट्टी का आवश्यक है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं पहले बोरी में नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया हूँ और गार्डन सॉइल ऐसा होना चाहिए जैसे ओवर वाटर अच्छी तरीके से जल्द आपका ड्रेनेज हो सके, उसी तरीके का भुरभुरी गार्डन सॉइल लेना है। उसके बाद आपको 2 मुट्ठी सिर्फ मिलाना है मस्टर्ड के पाउडर, जैसे मैं मिला रहा हूँ उसके चारों तरफ मिलाना है। उसके बाद आपको नीम के फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं, अभी बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे उसके ये तीनों चीज़ें डालने के बाद में काउडंग कंपोस्ट अच्छी तरीके से, जो डिकम्पोस्ट ड्राई हुआ आपको काउडंग कंपोस्ट मिट्टी के अंदर मिलाना है जो कि सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, ये पूरी तरीके से हमारा एक रुद्राक्ष के पौधे के लिए अच्छा एक आइडियल पॉटिंग मिक्स प्रिपेयर हो गया है जो कि पौधे की ग्रोथ के साथ ही साथ बहुत ही तेज़ी से रूट स्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। और दोस्तों, अब ये जो रुद्राक्ष के पौधे को इसी जून जुलाई और अगस्त के महीने से लगाने से ये पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से आपके यहाँ एनवायरनमेंट में सेटल हो जाएगा और ग्रोथ भी अच्छे तरीके से करेगा। बाद दोस्तों, पूरी तरीके से आपको गार्डन सॉइल ऊपर से पूरा फिलअप कर देने के बाद आपको अच्छे तरीके से इसमें वाटरिंग कर देना है। दोस्तों, ऊपर भी देखिए आसमान में पूरा काला काला बादल और वेदर भी बहुत ही अच्छा है ये ट्रांसप्लांट करने के लिए पौधे के बाद। और दोस्तों, पौधे में कितने मात्रा में देख पा रहे होंगे फ्लावरिंग आ रहा है, देखिए पूरा बंचअप में देखिए यहाँ पर भी, और पौधे भी बहुत ही हेल्दी है मेरा। तो दोस्तों, आप भी अगर छत के ऊपर लाके लगा सकते हैं ग्राफ्टिंग एयरलेयरिंग का पौधा, टेरेस के ऊपर बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा और आपके यहाँ भी रुद्राक्ष मिलना चालू हो सकता है पूरी तरीके से, इसी तरीके से आप केयर करके लगाएंगे तो। और कोई भी अगर फंगस का अटैक होता है तो फंगिसाइड का ज़रूर स्प्रे कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।